विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कांवड़ यात्रा शालीवाहन मंदिर से निकाली गई। श्रावण मास के चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से सुख समृद्धि और शांति के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भोले भक्त महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे हाथों में कांवड़ लेकर शामिल हुए। वहीं रास्तों पर जगह जगह कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। बता दें, कांवड़ यात्रा शालीवाहन मंदिर से मां नर्मदा से जल लेकर एवं भोलेनाथ का अभिषेक कर कांवड़ यात्रा पैदल हर हर महादेव जयघोष के साथ ढोल ताशे एवं डीजे पर नाचते गाते 5 किलोमीटर कसरावत गंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया एवं पूजा अर्चना की गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी कांवड़ यात्रा में मुस्तैद रहा। आज ये कांवड़ यात्रा गंगेश्वर महादेव कांवड़ यात्रा जो निकली है, तो साली वाहन से कसरावत तक जाएगी, क्या उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद विगत 8 वर्षों से शाली वाहन से गंगेश्वर महादेव तक कांवड़ यात्रा निकल रही है और उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि सुख शांति और समृद्धि को लेकर के ये कांवड़ यात्रा है जो विगत 8 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद निकालते आ रहा है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी ये कांवड़ यात्रा है। लगभग कितने लोग हैं इसके अंदर? इस कांवड़ यात्रा में लगभग 400 की संख्या में कांवड़ियाँ हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह तोमर, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री, खरगोन। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, कतरावद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट